अब्दुल गनी पीर बाबा का 3 दिवसीय उर्स हर साल की तरह साल भी अकीदत के साथ मनाया गया। सज्जादा नसीन सैफुल्ला खान बिन फैजुल्ला खान सांपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स में क्षेत्रीय जायरीनों के अलावा रतलाम जावरा इंदौर देवास भोपाल जयपुर जोधपुर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जायरीन शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ ही उर्स शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी को नागौरी गेट मस्जिद लोराना के पास शाम कव्वाली के साथ चादर का जुलूस निकाला जाएगा जो शाम 4 बजे रवाना होकर मुख्य बाजार से सैयदों के मोहल्ले से होते हुए शेख तालाब से दरगाह अब्दुल गनी पीर बाबा की आस्थाने शरीफ पर चादर पेश कर फातिहा खानी होगी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जायरीन शिरकत करेंगे। रात्रि में सूफिया कला महफिल कव्वाली होगी। 30 जनवरी को सुबह कुरान खानी के बाद महफिल नात खानी होगी व 9 बजे से सूफिया कलाम कव्वाली होगी। दोपहर फातिहा खानी के बाद हमारे देश के लिए अमन चैन की दुआ की जाएगी व गद्दी नशी पीर फैजुल्ला खान की जानिब से जायरीनों की दस्तारबंदी होगी। तत्पश्चात कुल शरीफ के बाद 3 दिवसीय उर्स मेले का समापन हो जाएगा। कब से उर्स शुरू हो रहे हैं और कब कब कितनी तारीख को क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा जानकारी बताएं। 19 जनवरी को झंडे का जुलूस नागौरी गेट के बाहर से रवाना होगा और मुख्य बाजार से होता हुआ दरगाह शरीफ का झंडा पेश किया जाएगा। उसके बाद 20 जनवरी को 2024 चादर का जुलूस नागौरी गेट के बाहर महफिल खस्तमा कव्वाली होगी और वहाँ से चादर का जुलूस करीब 5 बजे रवाना होकर के मुख्य बाजार से होता हुआ महल्ला सईदान काजियान से होता हुआ दरगाह शरीफ पे चादर मजार शरीफ पे पेश की जाएगी। रात को दरगाह शरीफ पर महफिल समा कव्वाली होगी और उसके बाद 21 जनवरी 2024 इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ महफिल समा रंग की महफिल शुरू होगी और 21 जनवरी को रंग की महफिल के साथ ही उर्स का इख्तिताम होगा और उसके बाद अमन चैन की दुआएं मांगी जाएगी। तमाम अकीदत मंदान की हक में दुआएं की जाएगी और जो भी हमारे खिदमत गुजार है इस दरगाह शरीफ में उनकी तमाम की दस्तारबंदी की जाएगी। ये कौन सा उर्स है और इस उर्स में कहां कहां से कौन कौन से क्षेत्रों से जो है जायरीन यहां पर आते हैं? ये 52वां उर्स मनाया जा रहा है और इस उर्स में रतलाम देवास इंदौर उज्जैन सागौर जावरा मंदसौर और एमपी तमाम एमपी से और जयपुर और उसके अलावा सांभर और मुकामी हजरात भी यहाँ पर जो है इस उर्स में शिरकत करते हैं और अपनी मुरादें पूरी पाते हैं।